नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिगरेट पैंट की कटिंग दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, सिगरेट पैंट के लिए मैंने ये 2 मीटर कपड़ा, इसमें हम इस नाप लगाएंगे। नाप हमारा ये है, लंबाई हमारी 34 इंच है, कमर चौथाई भाग करके 6.5 इंच और हिप हमारा है 8 इंच 4 भाग करके, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि 9.5 इंच और मोहरी 4.5 इंच है जिसमें 1.5 इंच प्लस करके हमारा 6 इंच आएगा। तो यही 4 नाप होती है सिगरेट पैंट के लिए। अब आइए हम इसकी कटिंग देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम 2 इंच का ऊपर बेल्ट लगाएंगे, इसलिए हम इसकी लंबाई कम नहीं करेंगे। 2 इंच कम करने से हमारी लंबाई कम हो जाएगी क्योंकि नीचे 2 इंच फोल्ड भी होना है। तो जितना हम कमर लगाएंगे उतना हमारा फोल्ड होके बराबर आ जाएगा, इसलिए हम लंबाई जितनी है उतनी ही मापेंगे। हमारी लंबाई है 34 इंच, तो हम 34 इंच पे ही आसन लेने के हिप का तीसरा भाग प्लस 1.5 इंच करेंगे। हिप 8 इंच, हिप हमारा 8 इंच चौथाई करके, लेकिन तीसरा भाग लेना है तो ऐसे ही हिप हमारा 32 इंच है। 32 इंच में 8 इंच आता है हमारा हिप चौथाई भाग, और तीसरा भाग 32 इंच का हम लेंगे। तो निकाल लेते हैं, 10.5 इंच हिप का तीसरा भाग होगा जिसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे यानी कि 11.5, 12 नहीं लेना है दोस्तों, 10.5 ही लेंगे क्योंकि ऊपर बेल्ट जुड़ेगी, इसलिए इसमें 1.5 इंच प्लस नहीं करेंगे। 10.5 इंच पे हमें हिप लेना है। ये हमारा 9.5 इंच हम हिप लेंगे, सीधा इसे मिला, यहाँ से हम ऊपर भी 9.5 इंच पर सीधा मिल। अब ये हमने ले लिया, ये 9.5 इंच यहाँ से। अब यहाँ से 2 इंच हमें इधर लेना है, 2 इंच लेकर यहाँ से इधर से भी 2 इंच लेकर इसे गोलाई मिला देंगे। अब ये जो हमारा नाप हुआ, ये 2 इंच प्लस ये 9.5 इंच मिलाकर हमारा ये है 11.5 इंच, जिसके बीच में यानी कि 6.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ऊपर से भी 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे सीधा मिला देंगे। नीचे भी मोहरी के पास हमें 6.25 इंच लेना है और यहाँ से इसे सीधी लाइन दे देंगे। चूंकि मोहरी हमारा 6 है इसलिए 3 इंच इधर और 3 इंच इसके इधर दोनों साइड पे निशान लगाएंगे। और ये जो हमारा ऊपर 6.25 इंच पे निशान गया, यहाँ हम टेकन के लिए ले लेंगे। टेकन हमारा 5 इंच होगा, ये 5 इंच का टेकन 1/2 इंच की दूरी पर देंगे, 1/2 इंच इधर से प्लस 1/2 इंच इधर से। इस तरह से ये हमारा 1 इंच का टेकन हो। अब इस लाइन को जो हमने मिलाया है इसे स्केल से ये मोहरी के पास मिला लेंगे। इस साइड भी इस तरफ भी हम इसे मोहरी तक मिला लेते हैं। इस स्केल को हम ऊपर की ओर इस तरह घुमाकर यहाँ पर ये हल्का सा गोलाई शेप देते हैं।
अब इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा आगे पल्ला है, तो ये फ्रंट की कटिंग हो गई। अब बैक की कटिंग करने के लिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई से भी ज़्यादा लेंगे कपड़ा, और ये हमने इस पर बिछा लिया है। हम इसकी सीधी लाइन मिला लेंगे, ये हमने सीधा लाइन मिलाया, यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाकर इधर सेपते हैं और 1.5 इंच इधर देकर यहाँ से गोल सेप देंगे इस तरह से। ये जो हमने 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है, उसे कमर की तरफ से तिरछा मिला देंगे। ये हुआ हमारा, इसी के सामने यहाँ पीछे पल्ला में भी टेकन देंगे, और यहाँ जो 1.5 इंच हमने बढ़ाया है, यहाँ से नीचे तक 1.5 इंच बढ़ाकर गोल सेप देने वाली स्केल से इसे मिला लेंगे। इस साइड हमें कुछ नहीं करना है, जो लाइन है उसी पे कटिंग करनी है। इसे सेम हमने जो कमर की ओर गोलाई सेप दिया था, इसे ऐसे ही रखना है। और ये याद रखिएगा दोस्तों, आसन की तरफ ये हमने जो आगे पल्ले का आसन है वहाँ से सीधा लाइन मिलाकर 1.5 इंच आगे बढ़ाकर ये गोल सेप दिया है। अब इसको फट्टी से मिला लेते हैं। ये हमने मिला लिया, नीचे भी बराबर सेप देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। पीछे पल्ला में भी हम इस तरह से हम 1/2 इंच का दबाव बनाकर तिरछा सिलाई कर देंगे। ये हमें चूंकि दोनों पल्ला में देना है, इसलिए हम इसे कटका मार देंगे। आगे पल्ला में भी हमें ऐसा ही करना है, यहाँ हमें कटका मारना है। ये देखिए दोस्तों, अब मैं सिलने के लिए ये पीछे पल्ला में, ये देखिए दोस्तों मैं अब सिलना स्टार्ट करूँगी। सिलने के लिए ये पीछे पल्ला में ऊपर से 2 इंच पर एक निशान लगाया, उसके बाद यहाँ से 6 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे हम, और इसी तरह आगे पल्ला में भी हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए ऊपर से 2 इंच पर, उसके बाद 2 इंच के बाद 6 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। ये हम इस तरह से इसकी सिलाई करनी है, ये जॉइंट होगा, और ये हमने निशान इसलिए लगाया है ताकि इसमें पॉकेट लगा सकें। पॉकेट लगाने के लिए देखिए मैंने ये एक कटिंग की है। इसकी कटिंग करने के लिए आप 7 इंच का एक स्क्वायर का देखिए दोस्तों, ये मोहरी से हम 4 इंच की दूरी पर यहाँ एक, ये हमने 4 इंच की दूरी पर ये निशान लगाया, यहीं तक हमें सिलाई कर। इसके बाद हम इसे उल्टा की तरफ एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे दोनों पल्ले में। ये पीछे पल्ला में हमने सिलाई लगाया, इसी तरह आगे पल्ला में भी एक बार फोल्ड करके 1/2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे।
और एक सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हमें इसे राइट साइड की ओर उल्टा मोड़ना है, डबल करना है, इस तरह डबल मोड़कर इस पर सिलाई लगानी है। उसी तरह से हम आगे वाले पल्ले को भी इस तरह डबल मोड़कर यहाँ से इसे बंद कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। हमें इस तरह से सिलाई करनी है। इस तरह से हमने दोनों पल्लों में, ये देखिए, ये सीधा तरफ हमें उल्टा करके डबल फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगानी है, और ये फिर इस तरह पलट के ये इस तरह आएगा हमारा मोहरी में, इस तरह से ये ओपन रहेगा, नीचे खुला रहेगा। तो इसको हम दोबारा सिलाई कर देते हैं। मैंने एक ही सिलाई अभी लगाई है। यहाँ थोड़ा सा दोस्तों इस तरह कट मार देंगे, एक नोजल मारेंगे जिससे कि ये बैठ जाए। इस तरह से डबल सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आप चाहे तो इसे ओवरलॉक करवा सकते हैं। और ये हमने दोनों पैर के पल्ले को जॉइंट, उसके बाद देखिए ये हमने दोनों साइड के पैर को जॉइंट करके ये बीच की सिलाई कर ली है। ये हम इस तरह से गोलाई में इस तरह सिलाई लाएंगे, ये आसन में जो है। अब हम इसकी कमर पट्टी लगाएंगे। उसके लिए हमने ये काट के रखा है जो दिखाया था हमने। इसे हम ये जो आगे वाला पल्ला है उसमें हम बुकरम की सिलाई करेंगे। बुकरम को हम इस प्रकार इस पर रख कर यहाँ से इसे फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। अब इसे आगे वाला पल्ला में जोड़ना है। इस तरह से हम यहाँ पे हाफ इंच छोड़कर जो कि सिलाई में बाद में जाएगी, और इसकी जॉइनिंग कर देते हैं। ये देखिए इसे जोड़ देते हैं। ये हमारा आधा इंच इस जॉइंट से, आधा इंच इधर भी बच जाता है जो बाद में जॉइंट होगी। इसी तरह हम पीछे पल्ले के भी जोड़ लेंगे। इसे भी जोड़ने के लिए ये हम हाफ इंच इधर छोड़ देंगे और यहाँ से जोड़ देंगे। टेकन के कपड़े को दाबते हुए हम इसकी सिलाई लगा देते हैं। इसे पीछे पल्ले में भी कमर में जोड़ने के बाद अब हम
इस पे एक सिलाई लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम आगे और पीछे पल्ले के कमर पट्टी को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें जोड़ लेना है। अब हम ये कमर पट्टी को जोड़ लेंगे। और साथ ही में इस पे हम ये इलास्टिक को रखकर इसे भी जोड़ लेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगाते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड भी जोड़ लेते हैं, भी जोड़ लेंगे। हमें इस तरह से जोड़ने के बाद इसे फोल्ड करके इस तरह से इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरह से देखिए हम गोल सिलाई लगाएंगे। इसे हम जॉइंट के पास ऐसे रखकर इस तरह से फोल्ड करते हुए इस तरह से रबड़ को ज़रूरत पड़े तो थोड़ा खींच खींच कर एडजस्ट करेंगे और उसे सिलते जाएंगे।